सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सनी कुमार, और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दर्द और बुखार दो ऐसी समस्याएं हैं जो हर उम्र के व्यक्ति को होती है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या वयस्क हों या फिर बुजुर्ग हों, हर किसी को दर्द और बुखार होता ही है। ऐसे में कोई ऐसी मेडिसिन जो दर्द को भी कम करे, साथ ही बुखार से भी राहत पहुंचाए, काफ़ी यूज़फुल मानी जाती है। तो गाइस, ऐसी ही एक मेडिसिन है ब्रूफन 600 mg की टैबलेट, जिसका आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ, जो कि एक नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जो कि आपको बुखार से और दर्द से राहत पहुंचाती है। तो आज हम इस वीडियो में ब्रूफन 600 mg टैबलेट के बारे में फुल्ली डिटेल में बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बताऊंगा कि हमें बुखार और दर्द क्यों होता है, इसके पीछे का पूरा लॉजिक अच्छे से समझेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी कंपनी और इसके प्राइस रेट के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस टैबलेट का मोड ऑफ एक्शन, मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करती है और कैसे बुखार को कम करती है और कैसे दर्द को कम करती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस किस कंडीशन में यूज़ करना है, ताकि आपको इसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सके। और फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी सही डोज कितनी होनी चाहिए और आपको इस टैबलेट को कैसे यूज़ करना है, ताकि आपको इस टैबलेट के कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलें। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो सामान्यतः इस टैबलेट के यूज़ करने से हो सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसके इंटरेक्शन के बारे में, कि इसकी किस किस मेडिसिन के साथ में इंटरेक्शन होती है और आपने किस किस कंडीशन में आपने इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना। साथ ही इस टैबलेट से रिलेटेड कुछ सवालों के आंसर भी मैं आपको दूंगा, जो कि सामान्यतः पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन सब बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमें बुखार और दर्द क्यों होता है। तो गाइस, जब भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है या फिर हमें चोट लगती है, तब एक एंजाइम एक्टिव होता है जिसे साइक्लोऑक्सीजेनेस बोलते हैं। ये एंजाइम लिपिड सब्सटेंस बनाता है जिसे प्रोस्टेग्लैंडिन बोलते हैं, और ये जो प्रोस्टेग्लैंडिन है, इसे आप एक तरह का हार्मोन समझ सकते हैं, लेकिन ये गाइस हार्मोन नहीं होता, लिपिड कंपाउंड होता है। ओके, तो इसकी जितनी ज़्यादा मात्रा होगी, उतना ही ज़्यादा हमें बुखार और पेन होगा। मतलब कि जितनी ज़्यादा मात्रा प्रोस्टेग्लैंडिन की होगी, उतनी ही ज़्यादा हमें पेन होगा और हमें फीवर होगा। ओके, तो गाइज़, ये तो बात थी कि हमें दर्द और बुखार क्यों होता है। आगे बात करते हैं हम इस टैबलेट की कंपनी और इसके प्राइस रेट और इसके कंपोजिशन की। तो गाइज़, जो इसकी कंपनी है वो है अबॉट, और जो इसका प्राइस रेट है वो आपको 21 रुपीज़ की आपको 15 टैबलेट मिल जाती है, और इसका जो कंपोजिशन है वो है आइब्रोप्रोफेन। ओके, 600 mg में आपको मिलता है। साथ ही गाइज, अगर आप इसका कोई सस्ता सब्सटीट्यूट देख रहे हैं, तो आप सिप्ला कंपनी की आइबुजेसिक टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। आपको 10 रुपये में 10 टैबलेट मिल जाएगी, और सेम कंपोजिशन है, सेम स्ट्रेंथ में आपको मिल जाएगी, सेम वर्किंग है। और गाइज, सिप्ला कंपनी भी काफ़ी बड़ी कंपनी है अबॉट की तरह। तो गाइज, ये तो बात थी इसके इंट्रोडक्शन की। आगे बात करते हैं कि ये शरीर में काम कैसे करती है, कैसे बुखार और दर्द से राहत पहुँचाती है। तो गाइज, ये नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जो कि साइक्लोऑक्सीजन को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण प्रोस्टेग्लैंडिन बनता ही नहीं है, और हमें ना तो बुखार महसूस होता है, ना ही हमें दर्द महसूस होता है। तो गाइज, ये तो बात थी इसके मोड ऑफ एक्शन की, मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात। आगे बात करें इसके यूजेस की। तो गाइज, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, क्योंकि ये एक नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, मतलब कि ये एंटीपायरेटिक है, मतलब ये बुखार को भी कम करती है। साथ ही ये एनाल्जेसिक है, मतलब कि ये दर्द निवारक है, दर्द को भी कम करेगी। साथ ही ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब कि अगर शरीर में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो, मतलब कि सूजन हो, तब भी ये काम करती है। जैसे अगर आपको किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द है, जैसे सिर में दर्द हो, या फिर सर्वाइकल पेन हो, या फिर आपको शोल्डर में दर्द हो, टूथ हैक हो, हेडेक हो, या फिर आपको घुटनों में दर्द हो,
तब आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको आर्थराइटिस की दिक्कत है, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तब भी इस टैबलेट का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही फीमेल्स में महामारी के टाइम भी इस टैबलेट को सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बहुत ही कम एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं गाइज। इसलिए इसे फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन बोला जाता है फीमेल्स में महामारी के टाइम में। तो आप इस टैबलेट को बेनिश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी प्रकार की मोच हो, मरोड़ हो, या फिर आपको किसी भी टाइप का दर्द हो, या फिर आपको बुखार हो माइल्ड टू मॉडरेट, तब भी आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है गाइज ये इस कंडीशन के लिए। तो गाइज ये तो बात थी इसके यूजेस की, आगे बात करते हैं इसके डोसेस की। तो गाइज सामान्यतः एडल्ट को आप ये टैबलेट दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। वैसे जो इसकी डोज कैलकुलेट करी जाती है वो है गाइज 40 mg पर kg पर डेली के हिसाब से इसकी डोज तय की जाती है, बच्चों में या फिर एडल्ट डोज इसकी तय की जाती है। ओके गाइज, तो ये जो टैबलेट आप देख रहे हैं ये 600 mg में आती है, लेकिन आप इस टैबलेट की 400 mg की और 200 mg की टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं बॉडी वेट के हिसाब से। ओके गाइस, तो ये तो थी इसकी डोज के बारे में बात, आगे बात करते हैं इसको आपने कैसे लेना है। तो गाइस इस टैबलेट को आप पानी के साथ खाना खाने के बाद ही लें। अगर आप खाना खाए बगैर इस टैबलेट को लेते हैं तो आपको एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है या फिर आपको पेट संबंधी विकार हो सकते हैं, मतलब आपको एब्डोमिनल प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की। तो गाइज इस टैबलेट से कॉमनली पेट से संबंधित विकार ही देखे जाते हैं, मतलब कि एब्डोमिनल प्रॉब्लम ही इस टैबलेट से देखी जाती है जो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, या फिर आपको एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको गैस हो सकता है, स्टमक अल्सर हो सकते हैं, स्किन रैशेस हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जो कि बहुत ही रेयर देखी जाती है, साथ ही आपको फैटीग जैसी कंडीशन हो सकती है जो कि इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आगे बात करते हैं गाइज इसकी इंटरेक्शन की। तो गाइज सामान्यतः कैटोरेलैक, एस्पिरिन और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के साथ और कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन के साथ में इसके एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही गाइज अगर आप लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, या फिर आपकी किसी भी बॉडी पार्ट में फ्लूड रिटेंशन है, या फिर आपको एडिमा है, या फिर आपको स्किन रैशेस की दिक्कत है, या फिर आपको इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या है, तब आप इस टैबलेट को सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपको इस टैबलेट के एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज़ आगे बात करते हैं कॉमनली क्वेश्चन जो कि इस टैबलेट के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या इसे प्रेगनेंसी के टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज जी हाँ, बिल्कुल आप इसका प्रेगनेंसी के टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के जो 3 महीने हैं जिसे ट्राइमास्टर बोलते हैं ना, तब आप इस टैबलेट को यूज़ नहीं कर सकते। और गाइज जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि क्या इसे अल्कोहल मतलब कि शराब के साथ सेवन कर सकते हैं। तो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर आपको इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इस टैबलेट की आदत पड़ जाती है, तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस टैबलेट का सेवन करते हैं तब आपको इस टैबलेट की कोई किसी भी प्रकार की कोई आदत नहीं पड़ती। अगला जो क्वेश्चन है कि क्या इसे ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो गाइज इसे आप ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तब स्टडीज़ में देखा गया है कि ये जो टैबलेट है आइब्रोप्रोफेन, ये ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम सेफ नहीं मानी जाती। तो गाइज ये कुछ सवाल थे जिनके मैंने आंसर दिए हैं, लेकिन अगर आप फिर भी किसी सवाल का आंसर चाहते हो तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। तो गाइज आज की हमारी जो वीडियो थी वो ब्रूफन 600 mg टैबलेट के ऊपर थी। आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो गाइज ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस और टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही किसी बात को लेकर या किसी टॉपिक को रिलेटेड आप हमें किसी भी प्रकार का कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।